तो दूसरी जानिब ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के बगैर 5 साल कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा इमरान खान से हाथ मिलाने की कोई ख्वाहिश नहीं, वज़ीर आज़म ओपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया, 4.25 साल ओपोजिशन को दीवार से लगाए रखा। इमरान खान को ईमानदार वज़ीर आज़म ना कहा जाए। मेरी अपनी पार्टी में ये राय होगी कि हमें पीटीआई के अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के बगैर 5 साल कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाना चाहिए। शहबाज शरीफ कहना था कि कौमी हुकूमत में तहरीक इंसाफ को शामिल ना किया जाए क्योंकि इमरान खान की पीटीआर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कौमी हुकूमत 5 साल सर जोड़ कर मुल्क की खिदमत करे। एक सवाल पर शहबाज शरीफ कहना था कि वज़ीर आज़म से हाथ मिलाने की कोई ख्वाहिश नहीं, वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं, हमें भी वज़ीर आज़म से बात करने की जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ कहना था कि तब्दीली के नारे लगाकर मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान को सिफाती तौर पर तन्हा कर दिया गया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया, अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी और अद्वियात पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। डेवलपमेंट के बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बीआरटी में करप्शन हुई। नारा लगाया था वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया, 4.25 साल अपोजिशन को दीवार से लगाए रखा। इमरान खान को ईमानदार वजीर आजम न कहा जाए।